सावधान, हो चुकी है महाविनाश की शुरुआत। जल्द आने वाला है महाप्रलय। धरती से मिट सकता है इंसानों का नामोनिशान। अब तक 5 बार आ चुका है महाप्रलय। अब है 6वें महाप्रलय की बारी। जी हाँ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक नए शोध में पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली बात सामने आई है। शोध में दावा किया गया है कि धरती 6वें महाविनाश की तरफ बढ़ गई है और जल्द ही महाप्रलय आने वाला है। धरती पर महाप्रलय आया तो चींटी से लेकर हाथी तक कुछ नहीं बचेगा। बता दें कि इससे पहले 5 बार ऐसा हो चुका है जब महाप्रलय आया और सबसे ज्यादा फैली प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। जब 5वीं बार महाप्रलय आया था तब धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर चिड़िया से लेकर जिराफ तक हजारों जानवरों की प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसे उन्होंने वैश्विक महामारी बताकर 6ठे महाविनाश का हिस्सा बताया है। इससे पहले जो 5 महाप्रलय आए वो सभी प्राकृतिक घटना थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 6ठा महाविनाश जानवरों के भौगोलिक क्षेत्र छिन जाने की वजह से आएगा। स्टडी के मुताबिक जमीन पर रहने वाले सभी रीढ़धारी जंतु, स्तनधारी पक्षी, रेंगने वाले और उभयचर प्रजातियों का 30% हिस्सा विलुप्त हो चुका है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्तनधारी जानवर भौगोलिक क्षेत्र छिनने की वजह से अपनी जनसंख्या का 70% हिस्सा हो चुके हैं। चीता की संख्या घटकर सिर्फ 7,000 रह गई है तो अफ्रीकी शेरों की संख्या भी साल 1993 से लेकर अब तक 43% घट गई है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक बीते 100 सालों में 200 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। गौरतलब है कि इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने से धरती का पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों की बात सच नहीं होगी। ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत होगा।